जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE एंड रोड टू रेसलमेनिया एट जस्ट बिगिन। तो भाइयों, आज स्मैकडाउन का एपिसोड हो चुका है और सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट स्मैकडाउन, लार्जेस्ट स्मैकडाउन कंटिन्यू अपने तीसरे हफ्ते में रहा, बिकॉज तीसरी बार रॉक प्रेजेंट हुए हैं, तीसरी बार रॉक का डायरेक्ट स्मैकडाउन में आना भाई साहब बहुत बड़ा शॉकिंग है। लेकिन आज कुछ अनोखा ही हुआ, बिकॉज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि रॉक मेम्फिस टेनेसी के अंदर आने वाले हैं। इस स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस एडवर्टाइज नहीं है, इसलिए रॉक यहां पर अकेले आकर कोडी रोड्स पर शॉट लेने वाले हैं, सेथ रॉलिंस पर शॉट लेने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, रॉक यहां पर आके अपना एक कॉन्सर्ट, लाइव कॉन्सर्ट, सिंगिंग कॉन्सर्ट करने वाले हैं, वैसा ही हुआ। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज भाई साहब है रॉक की एंट्रेंस। आज फाइनली हमें वो चीज देखने को मिली, आज फाइनली हमारा वेट कंप्लीट हुआ, बिकॉज 2003 के बाद आज 2024 में रॉक का पुराने वाला एंट्रेंस, हॉलीवुड रॉक का थीम सॉन्ग वापस आया और भाई साहब वन ऑफ द बिगेस्ट शोकर था। मैंने जब देखा भाई साहब मेहरान रह गए, मुझे लगा कहीं ना कहीं डब्ल्यू कंपनी मजाक कर रही है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन भाई साहब वो लाइव चल रहा था और रॉक का थीम सॉन्ग दोबारा से रिक्रिएट किया गया एज अ हॉलीवुड रॉक। मैं काफ़ी वक्त से ये सोशल मीडिया पर लिख भी रहा था कि भाई साहब हॉलीवुड का रॉक का जो असली थीम सॉन्ग है वही वापस आना चाहिए 2003 वाला। और रिसेंटली भाई साहब रॉक की वजह से, बिकॉज रॉक ने ही ये थीम सॉन्ग को वापस लाया, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि डब्ल्यू कंपनी पुरानी चीज़ों को दोबारा से रिक्रिएट करती है। लेकिन यहाँ पर रॉक की क्लियर इंटरफेरेंस थी चीज़ पर, रॉक ने अपना थीम सॉन्ग को दोबारा से रिक्रिएट करवाया, दोबारा से यूज़ किया, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा। और फाइनली आज रॉक की एंट्रेंस भाई साहब मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, और आई थिंक दिस इज़ जस्ट वी वॉन्ट भाई साहब, हमको यही सिनेमा चाहिए भाई। और अगर इसी तरीके की सिनेमा प्रेजेंट होती गई ना भाई साहब, वाकई में रॉक का कहना बिल्कुल सही है, वाकई में प्रोफेशनल रेसलिंग इज अ कूल वंस अगेन। सही में भाई, प्रोफेशनल रेसलिंग इज कूल अगेन। मजा आ रहा है डब्ल्यू कंपनी को देखने में, रॉक को देखने में, स्टोरी लाइन को देखने में। रेसलमेनिया 40 इज द बिगेस्ट रेसलमेनिया एवर, और वाकई में आज वो साबित भी हुआ, बिकॉज रॉक ने जिस तरह का कॉन्सर्ट किया इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। और मैं आपको कह रहा हूँ भाई साहब, ये मोमेंट दोबारा नहीं आएगा, यू शुड इंजॉय द रॉक, ये मोमेंट दोबारा नहीं आएगा। मैं 2013 में रॉक का लास्ट मैच देखा था अगेंस्ट जॉन सीना, एंड उसके बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि रॉक दोबारा से रेसल करेगा या रिंग के अंदर दोबारा आएगा। लेकिन हर रेसलमेनिया में रॉक का आना वो बनता था, लेकिन रेसलमेनिया 32 के बाद रॉक किसी भी रेसलमेनिया में अपीयर नहीं हुआ, कोई भी मैच नहीं हुआ। रूमर काफ़ी ज़्यादा था रॉक का कि वो मैच लड़ेगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन फाइनली भाई साहब, आप अगर डब्ल्यू कंपनी को अभी देखना शुरू कर रहे हैं, पिछले साल से देखना शुरू कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ भाई साहब, कंटिन्यू कर दीजिए, बिकॉज अब चीज़ें बदलने वाली है। रॉक के आने से बहुत चीज़ें अच्छी होंगी, और फाइनली आपको रेसलमेनिया 40 में जो आई थिंक जो पहली बार रॉक को रेसल करते देखेंगे, बहुत बड़ी बात है, बिकॉज रॉक पुराने समय का लेजेंड है और मैंने उसको रेसल करते देखा है। लेकिन 2013 के बाद जो डब्ल्यू कंपनी को देखना जिन्होंने शुरू किया है, उन्होंने आई थिंक रॉक को रेसल करते कभी देखा नहीं है ऑन लाइव टेलीविजन। आई थिंक वीडियोस तो काफ़ी देखी होंगी आपने, लेकिन ऑन लाइव टेलीविजन और ऑन रोस मैगडन के एपिसोड में आना हर हफ्ते, फाइनली आप देख रहे हो उनको, सो बहुत अच्छी बात है आप सबके लिए। एंड एंजॉय कीजिए इस सेगमेंट को, एंजॉय कीजिए रॉक को, एंजॉय करें रेसलमेनिया 40 को, बिकॉज रेसलमेनिया 40 के बाद रॉक दिखने नहीं वाले हैं, रॉक एग्जिट लेने वाले हैं डब्ल्यू कंपनी से, कुट करने वाले हैं। कुट का मतलब है नहीं डब्ल्यू कंपनी को छोड़ देने वाले हैं, मतलब अपनी शूट की वजह से आई थिंक समर स्लैम के बाद या समर स्लैम तक रॉक जाने वाले हैं, उसके बाद रॉक दोबारा से आएंगे, आई थिंक तब उनकी जो स्टोरी चलेगी। लेकिन फाइनली रेसलमेनिया 40 तक आपको रॉक कंटिन्यू करते देखने वाले मिलने वाले हैं, और आज इसी वजह से द फाइनल बॉस रॉक इज एट स्मैकडाउन टुडे। और जो भी कॉन्सर्ट किया उन्होंने बहुत अच्छा किया, और कॉन्सर्ट के बारे में डीपली बात नहीं करूंगा, बिकॉज आई थिंक आप सब ने देख ही लिया होगा, बिकॉज रॉक इज अ बिगेस्ट नेम, स्मैकडाउन इज अ बिगर देन एवर, एंड फाइनली इज कमिंग। और कॉन्सर्ट कमाल का था, बिकॉज मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कॉन्सर्ट होना था, एंड कॉन्सर्ट में रॉक ने कमाल का गाना गाया और पढ़ के गाया वो अलग बात है, लेकिन कोडी रोड्स को मोक किया, उनके स्टारडस्ट वाले करेक्टर को मोक किया, कोडी क्राई बेबीज को मोक किया, और सबसे बड़ी बात है कोडी रोड्स की मदर को, मिशेल को, आई थिंक उनकी मदर का नाम है, उनको सबसे ज़्यादा मोक किया, बिकॉज आई थिंक एक बेल्ट अपने साथ लाए थे रॉक।
और आई थिंक ये बेल्ट क्लियर कट बोलते हैं, जिस तरह से कोडी रोड्स बेल्ट देते हैं उसी तरीके से रॉक ने कहा है कि बेल्ट से मैं कोडी रोड्स को इतना मारूंगा, इतना बुरा हाल कर दूंगा उसका, उसको ब्लड निकाल दूंगा मैं उसका, और ये बेल्ट को फिर मैं उसकी मदर को दूंगा, मिशेल को। एंड वो रिंग साइड पर बैठी होगी और वो रोएगी अपने इस ब्लड को देखकर जो कि उसके बेटे का होगा जो इस बेल्ट पर लगा होगा, और इसे मैं मारूंगा। तो रॉक ने यहाँ पर क्लियर कट भाई साहब पर्सनल से भी ज़्यादा पर्सनल वाली बात कर दिया, बिकॉज रॉक ने कहा है कि लास्ट वीक तूने मुझे थप्पड़ मारा था कोडी रोड्स, और तूने उसके बाद क्या किया, तुझे सेलिब्रेट करना चाहिए था कि तूने रॉक को स्लैप मारा, लेकिन तू मंडे नाइट रॉ पर जाकर रोने लगता है छोटे बच्चे की तरह कि तुझे सपना पूरा करना है, ये करना है, वो करना है। कोई सपना पूरा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। रसलमेनिया 40 में तू हारेगा, बिकॉज मैं कह रहा हूँ, बिकॉज नाइट वन में मैं तो रोमन रेंस तुझे हरा देंगे, रॉलिंस को हरा देंगे, ये बात कन्फर्म है। और यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नाइट वन का मेन इवेंट रॉक रोमन वर्सेस कोडी एंड सेथ रॉलिंस, इस मैच में रॉक रोमन की ऑड्स बहुत ज़्यादा फेवरेट है और वही दोनों इस मैच को जीतने वाले हैं। और कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस रसलमेनिया के नाइट टू का मेन इवेंट, ये एक ब्लड लाइन रूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि वाकई में ऐसा होता है या नहीं, लेकिन आज का कॉन्सर्ट फाइनली रॉक ने डिपेंड किया था कोडी रोड्स पर। सेथ रॉलिंस के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करी, बस उनकी बेकी लिंच को कहा है कि बेकी लिंच सेथ रॉलिंस से ज़्यादा पॉपुलर है, अच्छी है, दिमागदार है। तो फाइनली ये कॉन्सर्ट काफ़ी अच्छा लगा मुझे, एंड इसी की न्यूज़ है इसी कॉन्सर्ट से रिगार्डिंग, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा मैं सिंगल वीडियो में। आप बात करते हैं आगे स्मैकडाउन के एपिसोड की। देखिए आज स्मैकडाउन के एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा मैचेस को अनाउंस किया गया, बिकॉज रसलमेनिया की बात करें वैसे रसलमेनिया में देखिए नंबर वन मैच क्लियर कट रॉक रोमन वर्सेस कोडी सेट बुक है, कोडी रोड्स वर्सेस रोमन इस बुक है, रिया रिपली वर्सेस बेकी लिंच बुक है। एंड आज स्मैकडाउन के एपिसोड में कुछ और मैचेस बुक हुए हैं, जैसे कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। जी हाँ, इनके बीच में यूएस चैंपियनशिप का मैच कन्फर्म है और ये होगा ही होगा रसलमेनिया में। उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी ये लेटर मैच बनेगा, लेकिन नहीं, लेटर मैच नहीं है ये, बिकॉज टैग टीम मैच को एज ए लेटर मैच बना दिया गया है। सो इस मैच को ट्रिपल थ्रेट मैच बनाया गया है, और क्लियर कट देखा जाए तो ओटन ओवेंस एंड लोगन पॉल डिफेंड करेंगे, डिफेंड होगा तीनों का ट्रिपल थ्रेट मैच में, आई थिंक कमाल का मैच होगा। इसके बाद एक और मैच बुक हुआ है, ये है एजे स्टाइल्स वर्सेस एले नाइट, सिंगल मैच होगा, ये भी मैच बुक था बिकॉज स्टोरी लाइन हिसाब से चल रही थी, तो सिंगल मैच ये बुक हुआ है। और बेली वजीज उसका ही पता ही है आपको, और सबसे बड़ी चीज़ है गुंतर वजीज सेमीजन, ये कुछ मैचेस है जो कि ये रिसेंटली बुक हुए हैं और आई थिंक कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और बिकॉज रसलमेनिया कार्ड अपने आप में अच्छा था बिकॉज, लेकिन रॉक के आने से ये बवाल मच चुका है। और सबसे मेन सेगमेंट की बात करें, ये था जिमी उसो का, बिकॉज यूट इज बैक। जिमी उसो ने फाइनली आज अपने भाई जे उसो का रसलमेनिया का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। अब रसलमेनिया 40 में आपको जिमी वर्सेस जे सिंगल मैच देखने को मिलने वाला है, और ये भी मैच कन्फर्म है। सो ये थी चीज़ें कुछ स्मैकडाउन का एपिसोड की। आज देखिए स्मैकडाउन का एपिसोड अपने आप में कमाल का होता है, बवाल होता है, और आई थिंक मैं वेट कर रहा हूँ टीआरपी का, रेटिंग कहाँ जाने वाली है, व्यूअरशिप इस बार की कहाँ जाने वाली, सबसे ज़्यादा मेरे को इंतजार रहेगा, बिकॉज रॉक का जो कॉन्सर्ट है वो किक ऑफ में था और आई थिंक वहाँ की रेटिंग 3 मिलियन क्रॉस हो सकती है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ यार, रॉक को देख कर आज पुराने एंट्रेंस को देख कर सही कह रहा यार, बहुत अच्छा लगा यार, सही कह रहा, अब दिल खुश हो गया, सही कह रहा हूँ यार, बहुत अच्छा लगा। एंड अब देखते हैं रॉक कब आते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए रोमन वर्सेस कोडी रोड्स का फेस टू फेस अनाउंस है, उस बारे में आगे बातचीत करेंगे। लेकिन अभी रॉक का ये लास्ट अपीयरेंस थी मायामी के अंदर, सॉरी मेम्फिस के अंदर, एंड अब देखते हैं कि रॉक का कब आएगा। आई थिंक जब रसलमेनिया से पहले रो या स्मैकडाउन, आई थिंक अब मंडे नाइट रो पे शायद काम होगा बिकॉज स्मैकडाउन के एपिसोड में आ चुके हैं, लेकिन शायद अब मंडे नाइट रो पर रॉक रोमन आएंगे, शायद हो सकता है लास्ट बिफोर रसलमेनिया, हो सकता है। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE एंड रोड टू रसलमेनिया हैड जस्ट बिगन। जय माता दी, अपना और अपने माँ बाप का ध्यान रखिए दोस्तों, सी यू टुमारो गाइस, सब्सक्राइब मार लो यार।